and you can see I'm all ready for it. So yes, we've been really looking forward for Veere the wedding. And well, these are all my Veeres, made by my Veeres, for my Veeres. Okay, you're already I'm not Chick-fil-A. Today I'm looking quite cheeky actually anyway, but yeah, real life mein, I think we're all like this. We're all the same. Okay, trailer kaisa laga? The trailer, the songs, everything is so good. Which is exactly the reason why I'm here. Okay. Sonam, Kareena, Shikha and kai sare. Kiske performance ke liye aap se zyada excited and which is your favorite? I'm actually looking forward to Swara's performance. I love Kareena. I think Sonam is fantastic as well. And I also like Miss Talsania. She's really good. Women-centric? It's not a chick flick. तो देखो अगर एक तरफ प्यार का पंचनामा है तो एक तरफ वीरे दी वेडिंग भी आ सकती है ऑफ कोर्स अगर वो एक्सेप्टेड है तो ये भी एक्सेप्टेड होगी एंड आई थिंक दिस विल डू अमेजिंगली वेल क्योंकि मैं आप जब जितने भी लोगों से मिली हूँ एवरीबडी इज लाइक रियली एक्साइटेड टू सी दिस मूवी बिकॉज द प्रोमोज आर अमेजिंगली एंड आई थिंक वी ऑल कैन रिलेट टू इट वेरी वेल यार वीरे दी वेडिंग का ट्रेलर या उसके गाने या उसका वीरे दी वेडिंग का ट्रेलर हो जाए या उसका गाना हो जाए या उसके डायलॉग्स हो जाए आई थिंक आई एम इन लव विद द डायलॉग्स ऑफ वीरे दी वेडिंग इतने फनी हैं एंड आई थिंक दी एक्ट्रेस इज कमिंग टुगेदर आई थिंक ये था आपका जो प्यार का पंचनामा का फीमेल वर्जन नहीं है उस तरीके का लग रहा है तो आई थिंक जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाओगे तो बहुत सुनने को मिलने वाला है सो आई थिंक इट्स गोना बी फन इट्स गोना बी एन एंटरटेनिंग वीकेंड फॉर एवरीवन हू इज गोना बी वॉचिंग इट यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत मेल बैशिंग होने वाली है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत मजा आने वाला है आई एम होपिंग दैट वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ लाफ्स वी आर गोना बी रियली एंजॉयिंग आवर सेल्व्स दैट्स व्हाट मूवीज आर यू गेट एंटरटेन्ड यू एंजॉय यू हैव लॉट ऑफ फन यार देर इज शिखा तसलानिया आई लव हर शी इज सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस देर इज स्वरा भास्कर स्वरा भास्कर की जितनी परफॉर्मेंसेज आप देखोगे दे ग्रेट यस देर इज करीना करीना इज इन मतलब शी इज करीना एंड देर सोनम सोनम इज फैंटास्टिक आई थिंक ऑल द फोर एक्ट्रेसेज हु हैव बीन ब्रॉट टुगेदर ऑन वीरे दी वेडिंग आर अमेजिंग बिकॉज हर किसी की अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स हैं एंड इट्स सच ग्रेट पर्सनैलिटीज कमिंग टुगेदर आई वाज सीइंग देयर वन सीन बिटवीन नीना गुप्ता एंड सोनम कपूर सो आई थिंक जो द कास्ट इटसेल्फ इज सो एक्साइटिंग दैट इट बहुत मजा आता है इट्स वेरी गुड थैंक यू आई थिंक इट्स बहुत बहुत सुपर कॉन्सेप्ट है एंड जैसा कि कुछ सालों पहले किसी ने कहा था कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो देखो जिंदगी मिल गई तब चार लड़कों ने कहा था चार लड़कियों ने उनके गलत साबित कर दिया एंड यार फिल्म दोस्ती की है अब दोस्ती लड़के की हो लड़की की हो क्या फ़र्क पड़ता है दोस्ती दोस्ती होनी चाहिए एंड आई एम श्योर जैसा कि हम लोगों को लगता है जब लड़कों की छुट्टी हॉलीडे बेस्ड फिल्म आती है दोस्तों की फिल्म आती है चल कई ट्रिप पे चलते हैं आई एम श्योर इस फिल्म के बाद सारी लड़कियों को ये लगेगा कि हमें कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाना चाहिए सो नाउ मेरा काम जो है वो आधे से भी कम हो गया क्योंकि ये बात सेट इन स्टोन हो गई है दैट नाउ इवन आई विल डू माय गर्ल्स ट्रिप एग्जैक्टली सो थैंक यू एकता ये आसान बनाने के लिए फॉर मी सुपर सुपर बिकॉज आज के दौर में इतना अनयूजुअल ट्रेलर है बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स एंड द कॉन्सेप्ट एंड स्टफ एंड उसको अगर ऑडियंस इतने प्यार से और इतने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही है दैट मींस दे डन समथिंग राइट
सो आई थिंक ये बहुत इट वॉज हाई टाइम कि हम ऐसी फिल्में देखें बिकॉज आई थिंक टिकू जी डॉटर्स कम ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम उनका डेब्यू थर्ड डेब्यू आई थिंक राइट एंड अदरवाइज इट्स गुड बी ऑसम टू सी स्वरा एंड करीना बेबो एंड स्वरा टू डिफरेंट एक्ट्रेस और टू डिफरेंट जॉनर्स एक कमर्शियल एक कम्प्लीटली आरटी ऑफ सिनेमा ऑफ बीट सिनेमा देम कमिंग टुगेदर आई थिंक इट विल बी अ सुपर कॉम्बिनेशन टू वॉच बट यू नो द ट्रेलर एंड द डायलॉग्स आर सो रियलिस्टिक हम लोग ऐसे ही बात करते हैं जब हम साथ में होते हैं दोस्तों तो इतना रियलिस्टिक कमर्शियल सिनेमा एक जो कॉम्बिनेशन आई थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग और ऑल दीज एक्ट्रेसेस आर फैब तो मुझे इन चारों को देखने की बहुत एक्साइटमेंट है ओके जैसे कि सारे लड़के ने नहीं ये इट्स नॉट अ चिक फ्लिक आई थिंक इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म एंड हाउ मच ऑफ अ चिक यू आर ओनली व्हेन यू टू गेट रेडी या सीरियसली बट आई स्टिल गेट रेडी फास्टर देन हिम सो आई एम लेसर ऑफ अ चिक सो आई कैन से दैट आई एम नॉट अ चिक फ्लिक बस सब एक बार वो मेहमान आ जाए उसके बाद इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग वीरे की वेडिंग फॉर अस सेलिब्रेशन फॉर अस आपको वीरे मिल के दे तो बेटर नहीं है रो आई थिंक बहुत ही मजा आने वाला है और इट्स गो वी गोना हैव अ ब्लास्ट यस आई थिंक वीरे की वेडिंग विद द वीर अब आपको यहां पता चल रहा है कि असली दोस्ती कहां है देखो लुक एट द कोऑर्डिनेशन ऑफ रोहित एंड लुक एट दिस टेलीपैथी देखो हमारी एंड आई एम गोइंग टू डेराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम करीना बिकॉज़ इज अ कमबैक आफ्टर डिलीवरी एंड शी इज सो हॉट एंड सेक्सी तो मैं तो बैठ के सिर्फ उनको ऐसे ही देखने वाली हूं शो अनीता ने सब कुछ लाइफ में बड़ा किया है इन्होंने एक फिल्म बनाई सिर्फ नागिन प्रमोट करने के लिए आप समझ रहे हो हाउस वार्मिंग आई थिंक कोई भी पार्टी इज अबाउट द वीरेज फॉर द वीरेज एंड बोथ द पार्टीज हमने बहुत इंजॉय की वी ब्रॉट द हाउस डाउन लिटरली इसलिए हमने घर के नहीं टेरिस पे पार्टी रखी थी क्योंकि हमें डर था कि दे लिटरली ब्रिंग द हाउस डाउन यार हमने अपने सब दोस्तों को बुलाया था एंड लाइक अनीता सेड वी हैड अ ग्रेट टाइम तो वीरो ने पूरी एकदम वीरगिरी दिखा दी थी उस दिन गुड टाइम वीरो ने चीर दिया घर I'm looking forward to this film because in real life, actually, Ekta is one of my veeres. So, I mean, whatever I've seen in the trailer and the sense of humor, I relate to it in the sense I have a bunch of friends and we crack these jokes. And yeah, so I'm looking forward to it. I'm excited. ओके फिल्म में करीना है सोनम है सौरा है और भी काफी लोग हैं उनके बारे में बताइए किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप एक्साइटेड हैं आई एम एक्साइटेड टू सी ऑल बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट रोल अलग रोल है सबके लिए आई थिंक फर्स्ट टाइम दे आर प्लेइंग अ रोल लाइक दिस आई एम एक्साइटेड टू सी इट जैसे कि सबने टी-शर्ट पहन ली आई एम नॉट अ चिक फिलिक अगर आपके अगर बात करें तो आप रियल लाइफ में कितने आप चिक फिलिक हैं या नहीं हैं आप कितने चिक फिलिक हैं
हाँ मैं ज़रूर हूँ बट नॉट सो मच नाउ नाउ आई लाइक ड्रामा आई थिंक आई प्रोग्रेस्ड फ्रॉम चिक फ्लिक्स थैंक यू थैंक यू मैं तो अभी आई एम वेरी मच मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए बिकॉज पहली बार ऐसे कोई लड़कियों के ऊपर फिल्म बनी है आई मीन लड़कियों को भी होना चाहिए कि आई मीन दे शुड लिव द वे दे वांट टू लिव एंड बी योरसेल्फ सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ फिल्म एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड प्लस एकता इज़ पार्ट ऑफ इट एंड ऑल दी सुपर एक्टर्स आर पार्ट ऑफ इट सो आई एम वेटिंग टू वॉच इट मुझे करीना कपूर सोनम कपूर बहुत पसंद है एंड स्वरा भास्कर मुझे आई थिंक सारे ही एक्टर्स दे आर ब्रिलियंट आई एम वेटिंग टू सी ऑल देयर परफॉर्मेंसेस बिल्कुल आई थिंक आजकल फीमेल इज़ द वन हु इज टेकिंग ओवर एंड आई ऐसी फिल्में बिल्कुल बननी चाहिए जो सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड हो सब लड़कों के ऊपर काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं अब फीमेल का वक्त आ गया है इट्स गर्ल पावर टाइम सो या ओके अगर आपके वीरे की अगर बात करें तो आपका वीरे किसको मानती है आई थिंक अभी हमारा एक नया ग्रुप बना है एंड वी हैव एकता कपूर इन इट एंड क्रिस्टल अनीता वी आर लाइक बडीज सो हम लोग काफ़ी पार्टियाँ करते रहते हैं अभी वही फिलहाल वीरेज वहीं है मेरी इस इंडस्ट्री में येस आई मैं ये क्योंकि मैं मेरी वीरे ये एकता कपूर है एंड उनकी फिल्म है ये तो मैं उनको प्रमोट करने के लिए ये टी शर्ट पहन के आई हूँ आई एम नॉट अ चिक फ्लिक इट्स नॉट अ चिक फ्लिक थैंक यू ओके शिवम सबसे पहले ट्रेलर कैसा लगा आओ ना फिर जल्दी यार ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा खास करके जो गाने हैं बहुत ही अच्छे हैं तारीफा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म ओके मूवीज एक्सपेक्टेशंस क्या है इसके बारे में मतलब एक्सपेक्टेशन कोई लेकर नहीं जाता हूँ मैं फिल्म में एंटरटेनिंग होनी चाहिए एंड आई एम श्योर इट बी रियली एंटरटेनिंग किरदार की अगर बात की जाए तो किसका किरदार आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगा अभी देखूंगा उसके बाद पता चलेगा ओके थैंक यू मेरा वायर फंसा है इतना छोटा है ज्यादा मत चलो होगा हाँ जी बोला करण जी हाँ जी बोलिए हाँ जी नहीं यार बहुत ही पटाखा ट्रेलर है इनफैक्ट गाने बड़े अच्छे हैं इवन द शॉर्ट टाइम दैट यू गेट टू सी द ट्रेलर बहुत ही एक्साइटिंग लगता है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कहते हो थोड़ा सेक्सिस लगता है कि चिक फ्लिक है बट इट्स एक्चुअली फ्रॉम व्हाट आई बिलीव फ्रॉम व्हाट आई हर्ड इन द इंटरव्यूज चिक फ्लिक नहीं है एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू सी एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ हॉट ऑल द फोर गर्ल्स आर लुकिंग मैं अपनी लाइफ का वीरे मेरे डैड को मानता हूँ देयर इज नोबडी हु इज अ बिगर वीरे देन माय ओन फादर ओके एंड किसका किरदार आपको सबसे ज्यादा चलेगा किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप सबसे ज्यादा यार ये तो देख के बता सकते हैं एंड परफॉर्मेंस के बारे में किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड वेल लाइक आई सेड यू नो ये आई वांट टू वॉच द फिल्म एंड आफ्टर आई वॉच द फिल्म आई विल गेट टू नो हु रियली कनेक्टेड एंड व्हाट रियली एक्साइटेड अबाउट द फिल्म बट ऑल द फोर गर्ल्स यू नो इन द प्रोमोस आर लुकिंग फैंटास्टिक दे आर लुकिंग सो गुड एंड द डायलॉग्स आर सो पावरफुल सो आई रियली वांट टू सी व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हिच इज योर फेवरेट हां जी करीना कपूर हैंड्स डाउन आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली स्टनिंग देयर इज नोबडी हु इज एज ब्यूटीफुल एज करीना कपूर देयर इज दिस सेंस ऑफ ग्लो दैट शी हैज एंड आई आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड एंड बीइंग मैरिड एंड शी इज कम डाउन लुकिंग सो स्लिम एंड आई मीन आई डोंट नो इफ इट अच्छा लगता है किसी मदर को बोलते हो कि शी इज लुकिंग सो सेक्सी बट शी इज सो डेफिनेटली करीना कपूर ऑल द वे चोट आई आपके हाथों में हां जी यार मुझे थोड़ी चोट लग गई है करेक्ट कोई खास नहीं यार आई बस्टेड माई हैंड ओपन इन द जिम तो पूरा फट गया अंदर से सो आई टू टेप इट
इन दिनों आपने मुझे आज देखा है धमाका कम लग रहा है आपको? हाँ डेफिनेटली, व्हेन देयर इज समथिंग टू टॉक अबाउट आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट इट. हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. I'm born in 1990. Okay, कैसा लगा ट्रेलर आपको उसके बारे में? Sorry. अगर वीरे की अगर बात करें तो ट्रेलर कैसा लगा? अरे amazing ट्रेलर है. I think the trailer is so inviting. ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी की तो शादी हो जाके नाचे उस शादी में, तो I feel like किसी ना किसी को शादी करनी चाहिए ताकि मैं अपने वीरे की वेडिंग में जाके फिर से नाचूं. Okay, अगर आपके अगर वीरे की अगर बात करें तो आप आपकी लाइफ का वीरे किसको मानते हैं? मैं अपनी लाइफ की वीरे को एकता को मानती हूँ. आई थिंक शी शुड गेट मैरिड नेक्स्ट. आई विल गो डांस. हीरो सारे एक्टर हैं इसमें जी, सभी एक्साइटेड हैं. तो किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड? किसकी परफॉर्मेंस के लिए? चारों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. इवन द बॉयज़ आर सो गुड. बट सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं करीना कपूर की परफॉर्मेंस के लिए. आई थिंक यू नो आई हैव ऑलवेज बीन अ बेबो फैन, तो बेबो ऑल द वे. मैंने कॉमेडी ट्राई करना था, मैंने कॉमेडी ट्राई किया, मज़ा आ रहा है करके. लेट्स सी हाउ फार इट गोज़, बट फॉर नाउ आई एम एंजॉयिंग डूइंग कॉमेडी.